Friends, as we know, urinary incontinence is involuntary leakage of urine, that is, urine leakage without our will or wish. And this will soak our pants and clothes and beds anytime, any day and night, and makes our life embarrassing and hell. But don't worry, this disease is very old, and a lot of research and work has been done on this disease. Clinical and urodynamic classification has been made. A lot of evaluation has been developed. And we have a basket full of treatment modalities for this disease. So don't afraid, don't shy. Just consult your doctor for any drop of urine which comes out of your body without your will. ऐसे ही एक मरीज की दर्दें दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कविता के रूप में, जिसमें शुरू में जो दर्द है, जो अंधेरा है, वो आखिर में एक सुनहरी सुबह के रूप में, एक उजाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आइए सुनते हैं एक इनकॉन्टिनेंट पेशेंट की कहानी डॉक्टर आर की जुबान। सिहर उठता हूं उस दिन को याद करके, जब मेरी जिंदगी में भूचाल सा आ गया था, मेरी रूह थरथरा गई थी और मेरा मन डगमगा गया था, क्योंकि अचानक मेरे वस्त्रों से बदबू सी आने लगी थी, मेरे पेशाब की बूंदें फटकती हुई मेरे तन को भिगोने लगी थी। न जाने क्यों मुझे अक्सर एहसास सा होने लगा था, मेरी कोशिशों के बावजूद मेरा ब्लैडर बेवफा सा रहने लगा था। ना मैं पढ़ पाता था ध्यान से, ना सो सकता था इत्मीनान से, मुझे अक्सर पेट में हलचल सी रहने लगी थी। टॉयलेट जाकर तो आया था, फिर वापस से टॉयलेट क्यों लगी थी? एक दो बार नहीं, दिन में कई बार ऐसा होने लगा था। मैं कसरत छींकने, झुकने और हंसने से भी डरने लगा था। क्या नहीं किया मैंने स्वतः भटकती बूंदों को रोकने के लिए? क्या नहीं किया मैंने स्वतः भटकती हुई बूंदों को रोकने के लिए? चाय, कोला, ड्रिंक्स और पानी पीना तक छोड़ दिया, पर मेरे अंग वस्त्र का गीलापन और मेरे होठों का सूखापन दिनों दिन बढ़ता चला गया और मुझे बेदम करता चला गया। फिर एक सुबह मुझसे रहा नहीं गया और छोड़ के सारी शर्म और लज्जा मैंने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकार हो गए हो तुम, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के शिकार हो गए हो तुम, बरखुदा जाकर मिलो तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से, अब वहीं पे होगा तुम्हारे कष्टों का बेड़ा पार। डॉक्टर आर से मिलना मेरे जीवन का एक सौभाग्य रहा, वो शख्स जिसने मुझ में पुनः विश्वास का जीवन दान भरा। पहले पहले तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लैडर डायरी का गहन अध्ययन किया, और फिर यूटीआई, यूरोफ्लोमेट्री, पीवीआर और सिस्टोस्कोपी और यूरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किया। ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी नहीं, मुझे तो मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ था। ये समझ जाने के बाद मैं एक बार फिर अंदर से दहल उठा था। बी पॉजिटिव कहकर उन्होंने मुझे मशवरा गजब का दिया था और अनगिनत ट्रीटमेंट मॉडलिटीज का एक पिटारा सखोल दिया था। कीगल एक्सरसाइज, बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बायोफीडबैक फिनोमेना, B3 एगोनिस्ट, M3 एंटागोनिस्ट, मस्करनिक एगोनिस्ट, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन, स्लिंग सर्जरी, आर्टिफिशियल स्फिंक्टर और भी बहुत कुछ। अरे ये क्या,
जिस रोग को मैंने प्रकोप मान लिया था, श्राप समझकर महीनों तक दर्द सहा था, ना कोई उत्साह था जीवन में, ना थी कोई जिज्ञासा, कल का दिन अच्छा भी आएगा इसकी भी नहीं थी आशा। और आज आफ्टर यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन विक्षिप्त और आहत हृदय को मिल गई है एक नई दिशा। एक नहीं, अनेक उपाय हैं इस बीमारी के। शुक्रिया शुक्रिया एकदा एकदा। तो दोस्तों, वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का तो मकसद ही यही है कि आसान होगी तेरी राहें, गर भय और हया का पर्दा तू हटा दे, हौसला रख और धीरे से मुस्कुरा जरा। जा आज ही अपने डॉक्टर को अपने मन की सारी उलझने तू बता दे, उलझने तू बता दे। विश यू ऑल अ हेल्दी एंड कॉन्टिनेंट ब्लैडर। दिस इज डॉक्टर राजेश जैन, सीनियर यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम कोटा राजस्थान। आई एम रनिंग माई यूट्यूब चैनल बाय द नेम डॉक्टर आर। आई विश यू विल कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिजीजेस। थैंक यू।